नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग RSNR पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी TDR फाइल को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में स्टेटस में हमारे पास ये ऑप्शन हमें दिखाई देता है, वन नॉट लोडेड अनऑथराइज्ड। तो जबकि हमारे पास टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन यानी कि सिल्वर वर्जन है, आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन हमारे पास है ओरिजिनल लाइसेंस नंबर के साथ, उसके बावजूद भी हमें TDR फाइल का इस तरीके से मैसेज है जो देखने को मिलता है अनऑथराइज्ड का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट वो जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई मैसेज आए अनऑथराइज्ड का, आप भी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन यूज करते हो, तो हम इसको किस तरीके से ऑथराइज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं। हम नए TDL को डाउनलोड भी करेंगे और उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से रहने वाला है। तो इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर में TDL को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास TDL इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका, हम टेली सॉल्यूशन इस टेली शॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाते हैं और उसके बाद जैसे हम किसी TDL फाइल को डाउनलोड करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, ट्राई इन एजुकेशनल मोड, ट्राई इन लाइसेंस मोड, या फिर आप इसको खरीद सकते हो। ट्राई का मतलब आपको 3 दिन मिलते हैं, आप 3 दिन इस ट्रायल मतलब TDL फाइल का यूज करके देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप एजुकेशनल मोड यूज करते हो तो आप ये डाउनलोड करोगे, अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करते हो तो आप ये यूज करते हो। लेकिन हम लाइसेंस वर्जन होने के बावजूद भी हमारे पास है जो अनऑथराइज्ड का मैसेज है जो आ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फाइल को इंस्टॉल हम करके देखेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको, ये जो अनऑथराइज्ड का मैसेज हमारे पास आता है हमें कहां से देखने को मिलेगा, टेली सॉफ्टवेयर के हेल्प ऑप्शन पर हम जाएंगे और उसके बाद हम जाते हैं TDL एडवांस पर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये अनऑथराइज्ड का मैसेज आ जाता है। हम इसको ऑथराइज्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम वापस F4 पर जाएंगे और इस फाइल को हम यहाँ से नो कर देते हैं, यानी कि हमने किसी टाइप का कोई TDL अब हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ट्राई इन लाइसेंस मोड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे जो tele.net की यूजर आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपसे पूछेगा और उसके बाद आपको यहां पर जो आपका सीरियल नंबर है टेली का वो यहां पर देना पड़ेगा और ये आपका जो एविलेशन जो पीरियड है वो 3 डेज का रहेगा, यानी कि आप इस TDL को 3 दिन तक यूज कर सकते हो। और मैं इसको एविलेशन पर क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं इसके एविलेशन पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा The extensions already exist, यानी कि मैंने इसको ऑलरेडी मेरे जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर इसको डाला हुआ है, तो मैं इसको ओके कर देता हूं। अब ये कहां मेरे को कैसे पता चलेगा ये एड हुआ है या नहीं हुआ, तो दोस्तों इसको मैं करता हूं एक बार यहां से कैंसिल और उसके बाद में आपको जाना होगा टेली सॉल्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tele.com और उसके बाद यहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉग इन का, जैसे कि मेरे पास अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है तो मेरा यूजर आईडी ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है, तो जैसे मैं इसको लॉग आउट करूंगा तो अब उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन का। अब यहाँ पे लॉग इन पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद में जो मेरे tele.net की यूजर आईडी वो लगाऊंगा और यहाँ पर लगाता हूँ मैं पासवर्ड। और उसके बाद में लॉग इन पर क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं लॉग इन पर क्लिक करूंगा तो अब मेरा इंटरनल डैशबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद में मेरी जो एक्टिव अकाउंटिंग आईडी है उसको मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद में इस डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। तो अब हमें सबसे पहले वो देखना होगा भी जो हमने TDL डाउनलोड किया वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि डैशबोर्ड पे आ गया कि नहीं आ गया। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल सेंटर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में TDL मैनेजमेंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में सबसे पहले लिस्ट ऑफ TDL पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लिस्ट ऑफ TDL पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो हमारे पास ये जो TDL है, ये TDL हमारे पास अनऑथराइज्ड आ रहा था, इस पर क्लिक करते हैं, हेल्प पे चलते हैं और उसके बाद TDL एड ऑन पर क्लिक करते हैं, इसको एक बार यस करेंगे तो अभी आप देख रहे हो मेरे पास
ये टीडीएल था कस्टमाइज इनवॉइस 4.0 जो कि अनऑथराइज्ड है, और ये मेरे ये आ गया कस्टमाइज इनवॉइस 4.0 का, ये मेरे टीडीएल लिस्ट में आ चुका है मेरे ऑनलाइन पोर्टल पे। अब हमें इसको है जो एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जैसे हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको पहला जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके जो मतलब अंडर जो एक्सपायरी डेट से पहले पहले के जो पड़े हैं वो आपको सारे यहाँ पर दिखाई देगा। तो वो ऑप्शन हमारे पास आ गया कस्टमाइज इनवॉइस 4.0 गोल्ड वाला, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है 1 फरवरी 2022 की है, और ये हमारा 30/1/2022 को एक्सपायर हो जाएगा। तो यानी कि अब इस जो हमारे टीडीएल फाइल है इसको एक्टिवेट करना है। तो जैसे हम इस लिस्ट ऑफ टीडीएल पर हम जाएंगे और वापस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन पर, तो उसके बाद में ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन, इसके सामने आपको ये 3 डॉट दिखाई देंगे एक्शन पर, इस पर आपको क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। तो टीडीएल कॉन्फ़िगर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब उसके बाद में जो हमारे पास टीडीएल हमने जो डाउनलोड किए हुए हैं उसके बाद में एड ऑन के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आप इसको यहीं से भी बाय कर सकते हो, आप इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो यहाँ से हम इन सभी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो वापस इसके टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन पर, स्टेटस हमारा अभी भी एक्टिव है। और उसके बाद में हमें जो ऑप्शन आ रहा है यूज टेड, ये आपको ऑप्शन यस रहना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है अलाउ, क्योंकि ये कई बार यहाँ पर अगर नो होगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे टीडीएल फाइल भी ना दिखाई दे और जो टीडीएल है आपका उसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आपको वापस टैली पे जाना होगा और लाइसेंस को आपको एक बार अपडेट कर लेना है। इसके बाद हम सिल्वर पर जाएंगे और सिल्वर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का, F5 आप प्रेस करोगे, अपडेट पर हम क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालनी है अपनी, क्योंकि लाइसेंस को आपको अपडेट करना पड़ेगा अगर आप टीडीएल यूज़ कर रहे हो तो। तो मैं मेरी यूज़र आईडी यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद में पासवर्ड हम डालेंगे। तो कुछ सेकंड का टाइम आपके पास ये ले सकता है। तो अभी ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर लाइसेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका यानी कि लाइसेंस है जो एड अप सक्सेसफुली हो चुका है। तो वापस हम टीडीएल के फाइल, आपका जो टेली सॉफ्टवेयर है वो एक बार वापस रिस्टार्ट होएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वो कंपनी खोल लेनी है। उसके बाद एक बार आपको वापस हेल्प पे जाके टीडीएल एडवांस पर जाके आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी आप देख रहे हो अभी जो हमारे पास एक अनऑथराइज्ड का जो मैसेज आ रहा था अभी कस्टमाइज का कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट, वो लोड में हो चुका है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये अब आपका लोड हो चुका है कस्टमाइज 4.0 का, और ये हमने डायरेक्ट वैसा सीधा यहीं से इसको F4 से जो ड्राइव हम देके करते हैं वहाँ से इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से ये अनलोड आ रहा है। दिखा रहे हो सेम टीडीएल है कस्टमाइज इनवॉइस 4.0 और कस्टमाइज इनवॉइस 4.0। तो ये हमने जैसे लाइसेंस को एक्टिवेट किया तो ये लोड में आ गया, और ये जो हमारे पास सेकंड जो अभी दिखा रहा है कस्टमाइज आइटम सेलिंग समरी, क्योंकि ये अभी एक्सपायर होने वाला है, इसको अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया है। जो हमें यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा ऑप्शन कस्टमाइज आइटम सेलिंग समरी, ये एक्टिवेट अभी तक हमने इसको किया नहीं है, उसकी वजह से ये हमारा अबाउट टू एक्सपायर का ऑप्शन दिखाई रहा है। अगर जैसे हम इसको लोड करेंगे वैसे तो ये 2 लोडेड दिखा रहे हैं। अब इसको हमें एक्टिवेट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में F6 यानी कि एड ऑन फीचर्स पर हम क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शन को यस कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे अब ये जो कस्टमाइज इनवॉइस का ऑप्शन है हमारे पास में ये अब एक्टिवेट हो गया है। तो अगर आपको इस यहाँ पर अनऑथराइज्ड ऑप्शन दिखाए तो आपको टेली सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड आपका डालना होगा, और एक बार सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ टीडीएल्स में वो टीडीएल जरूर देखना है भी आपका वो टीडीएल इस फाइल के अंदर ऐड हो चुका है कि नहीं हो चुका, यानी कि इस लिस्ट में। जब तक इस लिस्ट में ऐड नहीं होगा तब तक आप इसको टेली सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर पाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको एक बार अपना टेली सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है
उसको भी जरूर अपडेट करना होगा। तो जैसे हम अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अनलोडेड की यानी अनऑथराइज्ड की जगह ये ऑप्शन है जो लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजेबल भी लगी होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक देके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।